हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है मेंटेनेंस के बारे में और बिल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। तो बिल्डिंग का जो है मेंटेनेंस करना है तो हम लोग को कितना मेंटेनेंस करना है वो जानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि बिल्डिंग का अभी स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या है मतलब कि बिल्डिंग कितनी अभी सेफ है, उसका जो कॉन्क्रीट है उसका स्ट्रेंथ अभी कितना है। तो उसको जानने के लिए हमको जो कॉन्क्रीट की जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, वो जानने के लिए हम लोग को उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट हम लोग किस तरह करते हैं, हम लोग मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग में जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि मटेरियल लेते हैं, मटेरियल पर हम लोग लोड अप्लाई करके चेक करते हैं कि वो कितना लोड तक झेल सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है मटेरियल आपका पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब वो डैमेज होता है। लेकिन अगर हम लोग को स्ट्रक्चर को डैमेज भी नहीं करना है, उसी प्रॉपर्टी भी चेक करनी है, तो उसके लिए हम लोग चूज करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर ए वाइड ग्रुप ऑफ एनालिसिस एंड टेक्निक्स यूज इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टू वैल्यूएट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कंपोनेंट और सिस्टम विदाउट कॉजिंग डैमेज। तो ये ऐसा टेस्टिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं और वैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टीज निकाल सके बिना उसको डैमेज किए हुए। ठीक है, इट इज हाईली वैल्यूएबल टेक्निक्स दैट कैन सेव बोथ मनी एंड टाइम इन प्रोडक्ट इवेल्यूएशन, ट्रबल शूटिंग एंड रिसर्च। तो आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट है, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका क्या अभी सिचुएशन है, उसके क्या प्रॉब्लम्स है, अगर फर्दर रिसर्च करना है, तो अगर टाइम बचानी है, पैसे बचाने हैं, तो आपको तोड़ना नहीं है, कोई सैंपल बनाकर तोड़ना नहीं है। तो इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को। ए नंबर ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एंड टू प्रेडिक्ट द कॉज ऑफ डिटोरेशन ऑफ कॉन्क्रीट इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आर अवेलेबल। तो हम लोग के पास बहुत सारे इस तरह के टेक्निक्स है, जैसे जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, सेमी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, या फिर कुछ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स भी हो सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज पावरफुल मेथड फॉर इवेल्युएटिंग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ हार्ड एंड कॉन्क्रीट। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि हम लोग इसमें स्ट्रेंथ भी जान सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी जान सकते हैं, और क्या क्वालिटी है हार्डन कंक्रीट का वो भी जान सकते हैं। इट कैन डिटेक्ट क्रैक डेप्थ, प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन, वॉइड्स, लोकेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट, कवर कंक्रीट। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, क्रैक डेप्थ तक ही, मतलब कि टॉप सरफेस से आपको देख नहीं पा रहे हैं कि जो क्रैक है वो कितने डेप्थ तक पहुंचा है, वो आप चेक कर सकते हैं। जो आपका डिटेरियोरेशन हो रहा है, जो आपका डैमेज हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, वो कितना आपका प्रोग्रेस कर रहा है टाइम टू टाइम, वो चेक कर सकते हैं। कितने वॉइड्स हैं, वो आपका जो रिइंफोर्समेंट है उसका लोकेशन अभी क्या है, आपने जो कवर दिया हुआ कंक्रीट में वो कितना दिया गया है। एनडीटी टेस्ट रिलेटिवली सिंपल टू परफॉर्म बट द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट आर नॉट सो ईजी। तो इसमें क्या है डिफरेंस है आपके नॉर्मल टेस्ट से, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वैसे होते हैं जो कि बहुत ईजी है परफॉर्म करने में, मतलब आपको कोई सैंपल बनाकर उसको हैवी मशीन से तोड़ने की जरूरत नहीं है, पर उसका जो टेस्ट है, उसका जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उससे जो हम लोग एनालिसिस करना पड़ता है या फिर इंटरप्रेट करते हैं क्या उसका स्ट्रेंथ होगा, वो थोड़ा आपका टफ है, या बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जस्ट उसको तोड़ के नहीं देख रहे हैं, हम लोग उसका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट टेक्निक से हम लोग निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनडीटी, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का फायदे क्या क्या है। इट इंक्रीजेज द सेफ्टी रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब आपका प्रोडक्ट मतलब स्ट्रक्चर जो है वो उसका ऑपरेशन में है, मतलब इस्तेमाल में है, तो वो कितना सेफ है, कितना रिलायबल है, वो आप चेक कर सकते हैं। इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बाई रिड्यूसिंग स्क्रैप एंड कंजर्विंग मटेरियल्स, लेबर एंड एनर्जी। तो ये है कि आपका जो बिना मतलब का आप एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट कास्ट करना या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल बनाना ताकि आप उसको टेस्ट कर सके, उसका पैसा बचा सकते हैं आप। ठीक है, आप एक्स्ट्रा मटेरियल बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा लेबर बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी बचा सकते हैं, जो है क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो सैंपल बनाते हैं उसके लिए। इट इन्हांसेस द रेपुटेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर एज ए प्रोड्यूसर ऑफ क्वालिटी गुड्स। तो इससे बेनिफिट ये भी मिलता है हम लोग का कि जो आपका जो मैन्युफैक्चरर है, या फिर बोल सकते हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो जिस क्वालिटी का आपका स्ट्रक्चर बना रहा है उसके क्वालिटी आपका चेक हो सकता है इजीली एनडीटी टेस्ट से, और इससे आपकी जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन भी बढ़ती है। नेक्स्ट, दिस नॉट ओनली इंक्रीजेज द सेफ्टी ऑफ अ स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इलिमिनेट एनी सडन एक्सीडेंट और डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर।
तो होता यह है कि आपका इस तरह के टेस्ट से हम लोग सेफ्टी तो चेक कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो वो भी चेक कर सकते हैं और किसी तरह का एक्सीडेंट या फिर डैमेज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो एनडीटी टेस्ट हैं जो कि कॉमनली अडॉप्ट किए जाते हैं, कभी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो है हमारे रिबाउंड हैमर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, रीबार लोकेटर टेस्ट, कोरोजन एनालिसिस टेस्ट, रेसिस्टिव मीटर टेस्ट, इम्पैक्ट इको और पल्स इको टेस्ट, ग्राउंड पेंट्रेशन रडार टेस्ट। तो आपके ये दो टेस्ट जो है, रिबाउंड हैमर टेस्ट और यूपीवी या फिर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ये आप इस दोनों कोर्स से आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं जो कि आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग एक एक करके हम सारे टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है रिबाउंड हैमर टेस्ट। इट इज ए सरफेस हार्डनेस टेस्टर फॉर विच एन एम्पेरिकल कोरिलेशन हैज बीन एस्टेब्लिश बिटवीन स्ट्रेंथ एंड रिबाउंड नंबर। ठीक है, तो इसमें एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट है ये आपका, और इसमें एक ये प्रोब निकला हुआ है। ठीक है, तो जो कि हमारा एक अंदर स्प्रिंग से फिक्स होता है, तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं सरफेस हार्डनेस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग रिबाउंड हैमर टेस्ट से सरफेस हार्डनेस को टेस्ट करते हैं और उसको कोरिलेट करते हैं स्ट्रेंथ से। जितना हार्ड होगा कंक्रीट उतना ही आपका स्ट्रेंथ हायर होगा। तो इससे हम लोग निकालते हैं रिबाउंड नंबर, मतलब उसको पुश करते हैं और उसे पुश करने के बाद जो रिबाउंड होता है कंक्रीट से सरफेस से, तो उसको रिबाउंड नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उससे ही हम लोग फर्दर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। द ओनली नॉन इंस्ट्रूमेंट टू मेक यूज द रिबाउंड प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट टेस्ट इज जो है स्मिथ हैमर, विच वेट अबाउट 4 LB, 4 पाउंड और 1.8 kg। ठीक है, तो जो है स्मिथ जो आपका हैमर है वो आपका रिबाउंड हैमर ही कहलाता है। अगर कहीं पे आपको दिया जाए कि स्मिथ हैमर है तो उसको हम लोग रिबाउंड हैमर कंसिडर करेंगे। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग कंट्रोल्ड हैमर मैस दैट स्लाइस ऑन ए प्लंजर विद इन ए ट्यूबुलर हाउसिंग। तो ट्यूबुलर हाउस मतलब ट्यूब की तरह हाउस है पूरा ये है सेटअप, उसमें एक प्लंजर है या फिर प्रोब बोल सकते हैं, तो वो आपका स्प्रिंग से कंट्रोल्ड होता है। द हैमर इज फोर्स्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ कंक्रीट बाय स्प्रिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ रिबाउंड इज मेजर्ड ऑन ए स्केल। तो हम लोग यहाँ पे इसको फोर्स करते हैं और इसके स्प्रिंग से उसको कंप्रेस करते हैं, और उसके बाद सडनली जब रिलीज करते हैं इसको, तो जो रिबाउंड होता है जो उसको वापस इम्पैक्ट होता है उसको हम लोग स्केल से मेजरमेंट करते हैं। द टेस्ट सरफेस कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एट एनी एंगल, बट द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कैलिब्रेटेड इन दिस पोजिशन। तो टेस्ट करने के लिए कंक्रीट पर जब पुश कर रहे हैं तो इसमें आपको वर्टिकल रख सकते हैं, कहीं भी आपका किसी एंगल पर रख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही आपका कैलिब्रेशन होना चाहिए। कैलिब्रेशन कैन बी डन विथ सिलेंडर्स 6 बाई 12 इंच, 15 बाई 30 सेंटीमीटर। तो ये आपके सिलेंडर का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है तो कैलिब्रेशन। ठीक है, तो हम लोग का उसके अकॉर्डिंग ही कैलिब्रेशन पहले होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फर्दर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। द सिलेंडर आर क्रैप्ड कैप्ड विथ एंड फर्मली हेल्ड इन कंप्रेशन मशीन। ठीक है, तो सिलेंडर जो है वो पूरी तरह से कैप होता है और कंप्रेसर मशीन में इसको रखा जाता है, अच्छे से रखा जाता है। ठीक है, कंप्रेस्ड रखा जाता है इसको। तो ये आपको यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आपका ये आपका रिबाउंड हैमर है जिसमें हम लोग का प्लंजर है, उसको हम लोग प्रेस करते हैं और फिर जैसे ही हैमर को रिलीज किया जाता है तो इससे जो रिबाउंड होता है उसको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका ये जो साइड पे जो स्ट्रक्चर है या फिर आपका क्यूब है वो दोनों को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या लिमिटेशन है। द स्मिथ हैमर प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव सिंपल क्विक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंडिकेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मतलब ये सस्ता है आपका, सिंपल है और बहुत फास्ट आपका देता है कि स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। द रिजल्ट आर अफेक्टेड बाई सच एज, तो आपका जो रिजल्ट है कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ का वो डिपेंड करता है स्मूथनेस ऑफ सर्फेस। आपका सेम क्वालिटी का कॉन्क्रीट रहेगा, कभी स्मूथ सर्फेस स्मूथ है और कहीं हार्ड है रफ है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना स्ट्रेंथ रहता है। तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है कि आपका एक जो कंक्रीट है उसके सरफेस की वजह से आपका ये चेंज हो सकता है वैल्यू, साइज एंड शेप ऑफ स्पेसिमेन। आपका स्पेसिमेन छोटा है क्यूब है या फिर कोई बड़ा सा बीम है या फिर कॉलम है, तो उस पर दोनों पर अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं।
मॉइस्चर कंडीशन पर भी, कंक्रीट के मॉइस्चर कंडीशन पर भी डिपेंड करता है इसका जो वैल्यू है। टाइप ऑफ सीमेंट, हमने टाइप सीमेंट किस तरह का इस्तेमाल किया है, आपका कोर्स एग्रीगेट कैसा है, कितना स्ट्रेंथ है उसका, उस पर भी डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ कार्बोनेशन ऑफ सरफेस, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्क्रीट है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना इफेक्ट हुआ है और कितना उस पर कार्बोनेशन हुआ है अंदर। कार्बोनेशन क्या है वो आगे हम लोग फर्दर इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका टेस्ट है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इट मेजर्स द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ एन अल्ट्रासोनिक पल्स पासिंग थ्रू द कॉन्क्रीट, ठीक है। तो इसमें करते हैं कि हम लोग एक अल्ट्रासोनिक पल्स इसको ये कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं और उसको कितने फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो मेजर करते हैं हम लोग इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ पल्स जनरेटर एंड पल्स रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक पल्स एक जनरेट करता है, दूसरा रिसीव करता है। पल्स आर जनरेटेड बाय शॉक एक्साइटिंग पीजोमेट्रिक क्रिस्टल विथ सिमिलर क्रिस्टल यूज इन द रिसीवर। तो एक पीजोमेट्रिक क्रिस्टल होता है जिसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाता है, तो धीरे धीरे वो पल्स जनरेट करता है, एक वाइब्रेशन जनरेट करता है जो कि वो अल्ट्रासोनिक होता है, मतलब कि साउंड के वेव से भी हायर होता है वो। तो उससे जाके यहाँ से पास होता है और वहाँ पे उसके रिसीवर में भी आपका इस तरह का पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ होगा। द टाइम टेकन फ्रॉम द पल्स टू पास थ्रू द कंक्रीट इज मेजर्ड बाई इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग सर्किट। तो जो पल्स है कितने फास्ट वो मूव किया है उसको हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। इट कैन बी कैरिड आउट ऑन बोथ लेबोरेटरी साइज स्पेस में एंड कंप्लीट कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो हम लोग छोटे सैंपल पर भी कर सकते हैं टेस्ट और बड़े जो है कॉलम बीम या फिर पियर है ब्रिज का उसको भी चेक कर सकते हैं। इट इज डिजायरेबल फॉर पाथ लेंथ टू बी एटलीस्ट 12 इंच और 30 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एरर इंट्रोड्यूस बाई हेट्रोजेनिटी। तो होता ये है कि आपका कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट में आपका एग्रीगेट होंगे, सैंड होगा, सीमेंट स्लरी होगा, ठीक है, पूरा मिक्स होता है। तो अगर आपका नज़दीक पे रख रखते हैं आप इस दोनों रिसीवर को और जनरेटर को, पल्स जनरेटर को, तो होता है कि इसमें जो है अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, हेटरोजेनियस है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा एयर आ सकता है। इसलिए हम लोग मिनिमम डिस्टेंस रखते हैं 30 सेंटीमीटर, या फिर उससे फर्दर हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इससे कम नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देयर इज एन इंक्रीज इन पल्स वेलोसिटी एट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर ओइंग टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम 5 to 30 डिग्री सेल्सियस। पल्स वेलोसिटी आर नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। मेनली जो होता है कि आपका जो है बिलो टेम्परेचर, अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे है तो आपका पल्स वेलोसिटी में इंक्रीज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है आपका नॉर्मल एनवायरमेंट के टेम्परेचर में जो है जो पल्स वेलोसिटी जो है वो कंक्रीट में और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग इससे हम लोग फिर जा सकते हैं कि हम लोग का अगर हाई टेम्परेचर में कर रहे हैं या फिर लो टेम्परेचर में कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। द प्रेजेंस ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील इन कॉन्क्रीट हैज एन अपेरिसिबल इफेक्ट ऑन पल्स वेलोसिटी। तो अगर कॉन्क्रीट के अंदर स्टील है तो इसके वजह से जो है जो वेलोसिटी है पल्स का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका उसमें कितना स्टील है वो भी आपका बता सकता है। तो जनरल जो कंडीशन चेक किया जाता है कि आपका एक्सीलेंट कहाता है जब जब आपका जो पल्स वेलोसिटी है 15,000 फीट पर सेकेंड के स्पीड से एबव अगर पास कर रहा है पल्स वेलोसिटी। तो अगर आपका जो 12,000 से 15,000 के बीच में है तो गुड मानेंगे, अगर इससे कम है 10 से 12 के आसपास है तो क्वेश्चनेबल रहेगा, मतलब कंक्रीट अभी सही नहीं है, उसमें कुछ डैमेज हो सकता है। 7,000 से 10,000 के बीच में होगा तो पुअर क्वालिटी का है, अगर 7,000 से भी कम है तो मतलब बहुत पुअर है। होता यह है कि आपका जो किसी कंक्रीट स्पेसिमेन में या फिर स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे का जनरेटर है और रिसीवर है उससे पल्स जनरेट करते हैं, तो होता है कि यहाँ से पल्स आपका मूव करता है, मूव करता है तो जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग कंक्रीट होगा उतना ज़्यादा फास्ट ये ट्रेवल करेगा। अगर कहीं क्रैक्स हो, कहीं वॉइड्स हो, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका स्पीड कम हो जाए। तो पुअर क्वालिटी के कंक्रीट में यही होता है कि आपको किस तरह का डैमेज की वजह से जो है स्पीड है उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेते हैं कि कंक्रीट की क्वालिटी अभी कैसी है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ इसका लिमिटेशन कैसा है वो डिस्कस कर लेते हैं। इट कैन बी यूज ऑन बोथ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और दोज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जो स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर जिसे कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है वो सबका हम लोग चेक कर सकते हैं इसका स्ट्रेंथ। इफ लार्ज डिफरेंसेस इन पल्स वेलोसिटी आर फाउंड
विदिन ए स्ट्रक्चर इट मीन्स द डिफेक्टिव और डिटेरियोरेटेड कंक्रीट इज प्रेजेंट। तो किसी स्ट्रक्चर में किसी लोकेशन पे अच्छा आ रहा था, कहीं पे बहुत खराब आ रहा है, मतलब कि वहां पे उस लोकेशन पे कुछ ना कुछ डैमेज है। हाई वेलोसिटी पल्स वेलोसिटी रीडिंग आर जनरली इंडिकेट ऑफ गुड क्वालिटी कंक्रीट। तो मैं पहले बताया था कि मतलब अगर स्पीड हायर रहेगा तो क्वालिटी अच्छी होगी। इट हैज बीन यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंक्रीट ऑफ फ्रिज थ्रो एक्शन सल्फेट अटैक एंड एसिडिक वाटर। तो कहीं पे अगर फ्रिज थ्रो हुआ है, मतलब कि पानी जाके जमा है फिर पिघला है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, वर्ड्स आ सकते हैं, कहीं सल्फेट अटैक हुआ है तो उसमें भी आपका डैमेज होगा, या फिर कहीं एसिडिक वाटर से कुछ डैमेज हुआ है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे किस लोकेशन पे कितना डैमेज हुआ हुआ है कंक्रीट का। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एस्टिमेट द रेट ऑफ हार्डनिंग स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट इन द अर्ली स्टेज टू रिमाइंड वेन टू रिमूव फॉर्मवर्क। तो जो आपका फॉर्मवर्क है, जो आपका शटरिंग है, वो कब हटाना है, कितना स्ट्रेंथ गेन किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं स्ट्रेंथ गेन के दौरान। ठीक है, एज कंक्रीट एज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पल्स वेलोसिटी स्लो डाउन। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे जो है वो पल्स वेलोसिटी का है वो इंक्रीज वो घटता जाता है, मतलब कि वो डैमेज होने लगा धीरे धीरे। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन केयरफुल कैलिब्रेशन एंड यूज ऑफ द सेम कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शन। तो हो सकता है कि आपका प्रॉपर कैलिब्रेशन आपने नहीं किया है, मतलब कि आपने जो टेस्ट किया है वो आपका सही से नहीं किया हुआ है, आपको सही से सेट नहीं किया हुआ है मशीन को, इंस्ट्रूमेंट को, तो आपकी जो है क्वालिटी आपकी टेस्ट की घट सकती है। इट हैव ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर कंक्रीट कंट्रोल पार्टिकुलरली फॉर एस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्मिटी एंड डिटेक्टिंग क्रैक्स और डिफेक्ट्स। इसे बहुत सारा बेनिफिट है आपका कि हम लोग क्वालिटी का जो है कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, और कहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है वो इजिली चेक कर सकते हैं। इट्स यूज फॉर प्रेडिक्टिंग स्ट्रेंथ इज मच मोर लिमिटेड ओइंग टू द लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स अफेक्टिंग द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड पल्स वेलोसिटी। तो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि आपका पल्स वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो मतलब स्ट्रेंथ अच्छा होगा, या फिर कम होगा तो बहुत खराब होगा। तो ये बस इंडिकेट करने के लिए है, आप एग्जैक्ट स्ट्रेंथ आपका आपका वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब कि कंक्रीट है अगर उस पर पानी घुसा हुआ है, उसमें पानी है, इंटर है, तो उसका स्ट्रेंथ आधे अलग आएगा। अगर वो उसमें आपका सरफेस सही नहीं है, या फिर उसमें कुछ हल्का फुल्का डैमेज भी है, तो वो आप सही से आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर रफली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सही है कंक्रीट, यहाँ पे आपका डैमेज है। अगर कितना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा कम वेलोसिटी है तो मतलब कि बहुत हाईली डैमेज है कंक्रीट, ये चेक करने के लिए है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर, जो कि है रीबार लोकेटर टेस्ट, या फिर कवर मीटर टेस्ट बोलते हैं। तो होता ये है कि कंक्रीट का कास्ट करने समय, जब हम लोग कंक्रीट को कास्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो स्टील है और जो शटरिंग है उसके बीच में हम लोग गैप रखते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर गैप नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा कि ये जो स्टील है वो बाहर की तरफ पहुँच जाएगा, अब बहुत आगे तक पहुंच जाएगा, तो इजीली आपका जो है एनवायरनमेंट से जो केमिकल्स हैं या फिर वाटर है वो एंटर कर सकता है, और जो रेनफोर्समेंट है, जो स्टील है, जो छड़ है, उसको आपको कोरोजन कर सकता है, उसमें कोरोजन हो सकता है। तो इससे हम लोग का बेनिफिट होता है, हम लोग जान सकते हैं कि आपका जो है रीबार है, मतलब स्टील है, वो किस लोकेशन पे है। दिस मीटर विथ इट्स इंटीग्रल सेंसर कैन बी हेल्ड इन वन हैंड and provide the unique ability to indicate the position of reinforcing bar। तो आपका जो reinforcement bar है वो किस किस location पे है वो exactly बता देता है ये। The rebar locator features probes that allow one to measure shallow and deep ranges। मतलब कि इसमें अलग अलग probes लगे होते हैं जिसके help से हम लोग ये check कर सकते हैं कि आपके shallow depth पे कितना steel है, और बाहर आपके मतलब deeper depth पर आपका कितना steel है। द इंस्ट्रूमेंट कैन लोकेट द साइज ओरिएंटेशन ऑफ बार एज वेल एज इंडिकेटिव कंक्रीट कवर। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है जो मतलब छुपा कर ही वो कंक्रीट कास्ट कर चुका है, और उसने बताया है कि जो अंदर है कंक्रीट में अंदर जो स्टील है वो आपका कम, मतलब कि आपका 20 mm का है साइज का है वो बता रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि 20 mm का साइज का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। तो आप यहाँ से आप क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं कि आपका जो काम जो आपका जो वर्क हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, वो कितना आपका सही हुआ है। जनरली यूज्ड अलोंग विथ UPB एंड कोर कटिंग इक्विपमेंट। तो हम लोग कोर कटिंग इक्विपमेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर UPB टेस्ट के साथ भी हम लोग इसका
नेक्स्ट टेस्ट है कोरोजन एनालिसिस टेस्ट। कोरोजन एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट हाइलाइट्स कोरोजन एक्टिविटी बिफोर रस्ट बिकम्स विजिबल। ठीक है, तो हम लोग का जो कंक्रीट सरफेस है, तो कंक्रीट सरफेस से हम लोग का जो अंदर स्टील है वो कितना कोरोजन हो चुका है वो दिखता नहीं है, तो हम लोग जान नहीं पाते हैं कि आपका कितना जो है कंक्रीट जो आरसीसी है वो कितना स्ट्रांग है। तो उसका चेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो है पहले अगर हम लोग को मिल पता चल जाए कि हमारा जो कितना कोरोजन हो चुका है, तो हम लोग जो है स्ट्रक्चर को पहले ही फेलियर से बचा सकते हैं। इट हैज एक्यूरेट फील्ड पोटेंशियल मेजरमेंट एड इन डिटेक्टिंग डिटेक्टिव कोरोजन इन रीबार। तो इसमें जो है फील्ड पोटेंशियल का जो हम लोग मेजरमेंट करके हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो है जो स्टील है जो रीबार है उसमें कितना एक्टिव कोरोजन हो चुका है अब तक। द टेस्ट सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ग्रिड ऑफ यूनिफॉर्म साइज। तो होता यह है कि हम लोग को किसी कंक्रीट सरफेस के अंदर जो स्टील है उसमें कितना जो कोरोजन हुआ है, कितना जंग लगा है वो चेक करना होता है। तो उस सरफेस को हम लोग ग्रिड में बांट देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्रिड बना देते हैं और ग्रिड के बाद जो है उसके जो है ग्रिड के जो पॉइंट्स है जो नोड्स है उस पर हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो पोटेंशियल है वो 200 मिली वोल्ट से कम ज्यादा होता है तो इसका मतलब कि वहां पे कोरोजन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेफ्टी इंडिविजुअल टेस्टिंग नीड्स इट इज अवेलेबल इंडिविजुअली विथ रॉड इलेक्ट्रोड व्हील इलेक्ट्रोड एंड वर्नर्स प्रोब कॉन्फ़िगरेशन और ए कंप्लीट सिस्टम विथ ऑल कंपोनेंट। तो आपका जो ये सिस्टम है जो टेस्ट का जो अपरेटस है वो या तो आपका एक सिंगल रॉड के रूप में भी आता है या फिर व्हील की तरह भी आता है या फिर वेनर प्रोब कॉन्फ़िगरेशन में भी आता है। तो इसको हम लोग जो है हाफ सेल कोरोजन पोटेंशियल मेथड भी कहते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही लोकेशन पर सेपरेटली हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मतलब सर्किट को पूरा करने के लिए हम लोग दो दो रॉड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग एक लोकेशन पर एक ही बार में हम लोग हिट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल कोरोजन पोटेंशियल मेथड। इट इज आइडियली सुटेड फॉर असेसमेंट ऑफ कोरोजन पोटेंशियल ऑन एरिया ऑन ऑल साइजेस। ठीक है, तो सब तरह के साइजेस पर कितना कोरोजन हो चुका है वो हम लोग चेक करते हैं इससे। दिस इज मेड पॉसिबल बाई सेलेक्टेबल ग्रिड साइज। तो हम लोग का ग्रिड का साइज कितना है उससे हम लोग ये जान सकते हैं। द व्हील इलेक्ट्रोड इन पार्टिकुलर मेक्स इट इजी टू रैपिडली कवर लार्जर एरिया। तो व्हील इलेक्ट्रोड जो है वो आपका बेनिफिशियल होता है ताकि वो आपके लार्जर एरिया को कवर कर सके। तो देख लेते हैं हम लोग सब किस तरह का इक्विपमेंट होता है। ये आपका एक सिंपल आपका अपरेटस होगा जिसमें कि हम लोग के ये प्रोब लगे होते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग हर जो आपका नोड है जो आपके पूरे एरिया के जो ग्रिड हम लोग डिवाइड किया है उसके जो नोड्स है उस पर हम लोग पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपका अगर सिंगल से करेंगे तो, इसीलिए आपका जो व्हील शेप का भी आता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए फास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लार्जर व्हील से हम लोग करना है, बहुत बड़े एरिया में करना है तो ये विनर कॉन्फिगुरेशन का हम लोग इस तरह का इस्टीमेट इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए कितना एरिया में कितना कोरोजन हो चुका है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है वो है रेसिस्टिविटी मीटर टेस्ट। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो पिछले जो टेस्ट था उसमें हम लोग चेक कर रहे थे कि एक लोकेशन पे क्या पोटेंशियल क्या वोल्टेज है, दूसरे लोकेशन कितना वोल्टेज है, तीसरे लोकेशन में कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो हम लोग पहले वोल्टेज का डिफरेंस मेजरमेंट कर रहे थे। इसमें अब करते हैं कि हमारा जो है दो लोकेशन का जो है रेसिस्टेंस कितना है, कितना उसमें रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये दोनों आपका मेथड जो है वो इलेक्ट्रिकल मेथड है, वो ध्यान रखिएगा। कभी पूछा जा सकता है कि आपका दोनों मेथड में कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो दोनों है इलेक्ट्रिकल मेथड से ही है। कंक्रीट रेसिस्टिविटी इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट का कितना इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो हम लोग चेक करते हैं इसमें। सरफेस रेसिस्टिविटी मेजरमेंट प्रोवाइड्स एक्सट्रीम यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट का क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, वो हम लोग का रेसिस्टेंस हम लोग इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो है कि कितना कोरोजन हो चुका है, क्या कोरोजन का रेट है, वो सारा हम लोग इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टडीज हैव शोन दैट देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड क्लोराइड डिफ्यूजन रेट। एक्चुअली होता यह है कि कॉन्क्रीट में जो है पहले से कुछ क्लोराइड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा है एटमोसफेयर से जो है एयर से या पानी के थ्रू क्लोराइड अंदर जा रहा है तो इसके डिफ्यूजन से हमारा इसमें कोरोजन बढ़ता है स्टील में। तो कोरोजन का डिफ्यूजन रेट क्या है
और क्या रेसिस्टिविटी है, दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन पाया गया है। तो इसका मतलब जितना क्लोरीन का डिफ्यूजन हुआ है उतना ही आपका रेसिस्टिविटी बढ़ता है। दिस इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल फोर इलेक्ट्रोड सिस्टम इन विच फोर इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रोड्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द कंक्रीट सरफेस। होता ये है कि जिस कंक्रीट सरफेस पर हम लोग पास चार ये इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें चार आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिसमें से कि दो है जो आउटर वाले हैं उसको कनेक्ट किया जाता है एसी करंट से। ठीक है, एसी करंट से हम लोग यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि दूसरा जो दो अंदर के वाले दो दो हैं उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर से, कितना उसका पोटेंशियल है, कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ऊपर से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को चेक करते हैं, तो इससे हम लोग करंट मालूम होता है, तो हम लोग इसका रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। वंस द प्रोब आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्क्रीट सर्फेस द एलसीडी डिस्प्ले विल इंडिकेट द रेजिस्टिविटी डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे स्क्रीन में हम लोग को दिखाई दे जाएगा कितना रेजिस्टिविटी है, उससे हम लोग जान सकते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, एस्टिमेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ कोरोजन। तो कितना कोरोजन स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं इससे। इंडिकेशन ऑफ कोरोजन रेट, आज का हम लोग रेसिस्टिविटी चेक कर लिए, फिर 2 साल के बाद का चेक करेंगे, तो किस तरह से रेट से चेंज हो रहा है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। क्लोराइड जो जो है एंटर कर रहा है वो कितना एंटर कर चुका है वो भी चेक कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया विद ए स्ट्रक्चर मोस्ट ससेप्टेबल टू क्लोराइड पेनिट्रेशन, जहाँ पे आपका मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पे क्लोराइड पेनिट्रेशन हो सकता है और कोजन बढ़ सकता है, उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं इससे। डिटर्मिनेशन ऑफ जोनल रिक्वायरमेंट फॉर कैथोडिक प्रोटेक्टिव सिस्टम, तो कहीं पे अगर हम लोग चेक करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें हम लोग कुछ प्रोटेक्टिव सिस्टम भी लगा सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि ये मेथड बहुत स्लो है। ठीक है, कि हर लोकेशन पर जाकर आपको बार बार इस तरह का टच करके आपको चेक करते रहना पड़ेगा, और ये कम टाइम में कम ही एरिया को आप कवर कर सकते हैं। द सिस्टम इज इफ यूज इन कॉम्बिनेशन विथ हाफ सेल पोटेंशियो मीटर गिव्स बेटर इंडिकेशन ऑफ कोरोजन इन रेनफोर्समेंट इनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। तो आपका जो आरसीसी है उसमें अगर आप हाफ सेल पोटेंशियो मीटर, जो कि पहले का मेथड था आपका, वो इस्तेमाल करेंगे साथ में, तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर, जो है कि इम्पैक्ट एको या फिर पल्स एको टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एक इम्पैक्टिंग डिवाइस होता है, जैसे जो कि हैमर की तरह होता है, जो कि कंक्रीट के सरफेस पर स्ट्रक किया जाता है, मतलब कि इम्पैक्ट किया जाता है। द साउंड वेव्स दैट रिफ्लेक्ट ऑफ फ्रॉम वायर्स और डिसकंटिन्यूटीज आर पिक्ड अप बाय अ रिकवरी रिसीविंग प्रोब एंड कन्वे टू ए सिग्नल प्रोसेसर। तो हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट पर एक इम्पैक्ट करते हैं, और जो इससे साउंड वेव जनरेट होता है उसको हम लोग कंप्यूटर में जाके उसको फीड करते हैं, उसको हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे आपका वॉइड्स होगा वहाँ का साउंड वेव का, जो साउंड का वेव होगा उसको अलग सिग्नल होगा वो डिफरेंस हो पाएगा, और जो आपका अगर वॉइड नहीं है, अगर सही है कंक्रीट, तो उसका आपका जो है सिग्नल जो है वो डिफरेंस हो करेगा। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है कहाँ पर वॉइड है, कहाँ पर नहीं है, कंक्रीट की क्वालिटी वो कैसी है। दिस वेव फॉर्म इज एनालाइज इन द सिग्नल प्रोसेसर एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवल टाइम ऑफ वेव्स आर इवेल्युएटेड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ होमोजेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट का होमोजेनिटी क्या है, मतलब अभी कैसा क्वालिटी है उसका, मतलब कि पूरी तरह से होमोजेनियस है कि नहीं, कहीं वॉइड तो नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब कि कितना स्ट्रेंथ है अभी उसका, वो तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं उसके सिग्नल को प्रोसेस करके, कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम कितना लग रहा है वो ट्रेवल करने में, ये सब जानकारी से। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेस्ट। तो इसके इक्विपमेंट में हमारे क्या पास क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है एंटीना, एक रडार कंट्रोल यूनिट होता है, तो यूनिट को कंट्रोल करने के लिए सूटेबल डाटा स्टोरेज एंड कंट्रोल डिवाइस, ये सारी चीज़ें हमारी होती है एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार में, जिसको हम लोग जीपीआर भी बोलते हैं। तो जीपीआर मेथड क्या होता है, एक जियो फिजिकल मेथड, ये याद रखिएगा, दैट यूजेज रडार पल्स टू इमेज सब सर्फेस। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस लिए, ताकि हम लोग जो है किसी भी सरफेस के नीचे की जो क्या स्थिति है वो हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या कंडीशन वो चेक कर सकते हैं। इट यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी पोलराइज्ड रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिटिंग देम इनटू ग्राउंड। ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी का जो पोलराइज्ड रेडियो वेव्स है उसको ट्रांसमिट करता है ग्राउंड में। व्हेन द वेव हिट्स ए बरीड ऑब्जेक्ट और ए बाउंड्री विथ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट द रिसीविंग एंटीना रिकॉर्ड्स वेरिएशन इन रिफ्लेक्टेड एंड रिटर्न सिग्नल। होता यह है कि हमारा जो है
मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड पर, मतलब सॉयल की मिट्टी के नीचे आपका क्या क्या जमा, क्या क्या उसमें आपका रखा हुआ है, वो सब करने के लिए। तो जैसे वो वेब्स रिलीज करते हैं, वेब्स रिलीज करेगा तो अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपके पास में आएंगे तो उसका जो वापस जो रिफ्लेक्शन जाता है, सिग्नल सिग्नल का रिफ्लेक्शन जाएगा, उसके रिफ्लेक्शन के मतलब सिग्नल के रिफ्लेक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो अंदर है वो कौन सा ऑब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है। जीपीआर कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सब सरफेस एलिमेंट इन रोड, ब्रिज, स्पोर्ट ग्राउंड, गोल्फ कोर्स, सीमेंट्रीज एंड इन आरसीसी स्ट्रक्चर। तो किसी भी ग्राउंड के नीचे क्या सिचुएशन है, या फिर रोड का जो रोड के नीचे का जो क्या सिचुएशन है, वहाँ पे कितने क्रैक्स है, कितना प्रॉब्लम है, वो आप चेक कर सकते हैं। या फिर ग्राउंड के नीचे आपकी कौन कौन सी पाइपलाइन गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इट कैन एक्यूरेटली लोकेट मेटेलिक नॉन मेटेलिक रीइन्फोर्समेंट एंड पाइप्स बिलो कंक्रीट स्लैब। कंक्रीट स्लैब नीचे पाइप्स है, कैसा कंडीशन में है, आपके रीइन्फोर्समेंट है या नहीं है, कितने मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, कितने नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, ये सारे चेक चेक कर सकते हैं आप। इट कैन ऑल्सो डिफेक्ट फ्लॉ इन कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट में कोई फॉल्ट है, कोई क्रैक्स है, कुछ प्रॉब्लम है, वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम कैन एक्यूरेटली एंड नॉन डिस्ट्रक्टिवली सी थ्रू सॉइल पेमेंट मटेरियल सच एज एस्फाल्ट, कंक्रीट, सॉइल टू डिटेक्ट द सब सरफेस ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइन द कंडीशन ऑन थिकनेस ऑफ मटेरियल एग्जामिन। ठीक है, तो सरफेस के नीचे आपका जो है क्या सिचुएशन है, उसका डेप्थ कितना है, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मतलब वो सकते हैं अल्टीमेटली कि हम लोग पूरी तरह से देख सकते हैं बिना खोदे हुए सॉइल क्या सिचुएशन है। इट कैन लोकेटिंग पाइप्स, वाटर लाइन, स्टॉर्म वाटर, सीवर सिस्टम, ब्यूरिड इन सॉइल। तो मिट्टी में अगर कोई काम करना है, किसी लोकेशन में सर्वे कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे कौन सा पाइप है गया हुआ है, वाटर पाइपलाइन कहाँ गया है, जो है सीवर लाइन कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। जीपीआर इज एन आइडियल टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रिज डेक डिलेमिनेशन, वॉइड्स, सब सरफेस मॉइस्चर एक्यूमुलेशन एंड द थिकनेस ऑफ एस्फाल्ट पेमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आइडियल है आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हम लोग व्हीकल के बाहर मतलब सामने लगाकर आप पूरे जो है ब्रिज का जो सरफेस है कैसा है वो चेक कर सकते हैं। उसमें कोई वायर्स है, कोई इसमें कोई मॉइस्चर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है कहीं पे, पेमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें आप इसको क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपके जो सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके अलावा जो जो मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब टेस्ट क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आपको कंफ्यूजन है, तो आप कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे की ऐप पे आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।